हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट डायरेक्टली आपका गो करता है एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट है। सो गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अनदर पार्ट इन द प्रोग्रामिंग विच इज स्पेसिफाइड बाय अ लेबल। एक लेबल के थ्रू आपका जो है स्टेटमेंट है वन स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में पास हो जाता है। तो इसमें लेवल होते हैं आपके लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, इस टाइप से आप लिख राइटअप कर सकते हैं या डायरेक्ट आप गो टू एंड कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं उसके थ्रू। लेवल आर यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, ये यूजर डिफाइंड होते हैं, आप लेवल भी लिख सकते हैं, कोई और नाम भी लिख सकते हैं। फॉलो बाय द कोलन दैट आर प्रीफिक्स टू द स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई द डिजाइन ऑफ गो टू स्टेटमेंट। सो लेवल आप कुछ भी लिख सकते हैं बट उसके बाद आपको कोलन राइट अप करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक फ्लो चार्ट है आपका गो टू स्टेटमेंट, स्टार्ट किया आपने स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हुआ एंड डायरेक्टली आपने ये टू है, थ्री है, टू आपको एग्जीक्यूट नहीं कराना है, डायरेक्ट आपको थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, तो आप इसमें गो टू स्टेटमेंट और लेवल थ्री कर देंगे तो डायरेक्टली आपका वो लेवल थ्री में एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन आपका स्टॉप हो जाएगा। तो चलते हैं कोड की तरफ। देव सी प्लस प्लस को आप ओपन कर लीजिए, न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एंड सेव कर लेते हैं इसको। फाइल सेव एस गो टू डॉट सीपीपी एंड ये प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द गिवन नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग गो टू। तो ये आपका प्रोग्राम रहेगा। इसमें से पहले हम लोग इसको कमेंट सेक्शन में दे देते हैं। नाउ फर्स्ट आपको हेडर फाइल डिफाइन करनी हैज इंक्लूड आई यू स्ट्रीम देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी देन इंट मेन देन। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक वेरिएबल ले लीजिए इंटीजर, यूजर से हम लोग इनपुट लेंगे नम एंड इसके बाद हम सी आउट में यूजर से एंट्री करने को बोलते हैं, एंटर एनी नंबर देन यूजर एंटर इट। यूजर जैसे इसको एंटर करे तो हम लोग यहाँ पर स्कैन ऐप भी यूज करेंगे, स्लाइसन दे देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए। स्कैन करने के लिए सीन आप करेंगे और इसको नम को आप यहाँ पर स्टोर कर देंगे। ये हो गया। अब आपको कंडीशन राइट अप करनी है, इफ नम परसेंट टू इक्वल टू जीरो। जैसे ही आपका परसेंट टू हो तो डायरेक्ट आपको इवन नंबर लिखना है, बट मैं यहां पर हम लोग इसको गो टू एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा देते हैं। प्रिंट, एक जो प्रिंट स्टेटमेंट हमारा रहेगा उस पे ये कॉल कर देगा। प्रिंट को हम लोग आउटसाइड डिफाइन करेंगे एंड एल्स स्टेटमेंट में, एल्स में हम लोग लिख देते हैं सी आउट ऑड नंबर। इसके लिए भी आप गो टू बना सकते थे। यहां पर देखिए ये तो आपने क्रिएट कर दिया है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद एल्स के बाद हम लोग गो टू स्टेटमेंट का कंडीशन लिखेंगे। तो गो टू हमने लिखा है, प्रिंट स्टेटमेंट को बनाया है, तो सबसे पहले आप उस लेवल को लिखेंगे, ये लेवल है आपका प्रिंट, कोलन आप लिखेंगे एंड इसके बाद आप सी आउट में डायरेक्ट मैसेज लिख सकते हैं इज ऑड नंबर इवन नंबर, इवन नंबर आपका हो जाएगा, देन लास्ट में आपका रिटर्न जीरो हो जाएगा। तो ये सिंपल एक कोड है गो टू स्टेटमेंट का। सेव करेंगे आप, देन आप इसे कंपाइल कीजिए, कंपाइल करेंगे वार्निंग जीरो एंड एरर जीरो, रन हम करेंगे तो आपका देखिए एंटर करने को बोल रहा है 34 मैंने एंटर किया तो ये इवन नंबर दे रहा है। सेम अगर आप इसे दोबारा से रन करते हैं देन यहां पर मैं 55 दे दूं तो ये आपका आ जाएगा ऑड नंबर एंड इवन नंबर।